आठ मंत्रालय में कांग्रेस को दावी, सत्तारूढ़ दलहरू सात मंत्रालय दिन का लागि तैयार भएको, तर कांग्रेस को दावी आठ मंत्रालय में रहकर उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का को भनाई। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का को नेतृत्व में सरकार में जाने कांग्रेस ने अर्थ मंत्रालय जुनसुकै हालत में नछाड़ने। सोमवारसम्म में मंत्रिपरिषद पूर्णता दिने नेकपा माओवादी केन्द्र को निर्णय, प्रदेश सरकार ने गतिशील बनाने पर्ने में जोड़। आगामी वैशाख 10 गते तीन क्षेत्र में होना लगे उपनिर्वाचन का लगी राजनीतिक दलहर का आंतरिक तैयारी तीव्र, सत्ता गठबंधन को साथ खोज्ते जसपा। गंडकी का मुख्यमंत्री खगराज अधिकारी राजीनामा दिन कांग्रेस को आग्रह, माओवादी समर्थन फिर्ता लिये प्रदेश सरकार अल्पमत में पड़े और बहुमत जुटाने संभावना भी नभाई मार्ग प्रशस्त करना आग्रह। नेपाल कमर्स कैंपस मेन भवन में शनिवार होने भनिएको सोभियो निर्वाचन स्थगित, नेविसंघ का कार्यकर्ता ने मतपत्र च्यातेको र प्रहरी प्रशासन को आड़ में मतदान अधिकृत बेपत्ता पारे निर्वाचन भाड़ेको अनेरा सोभियो को आरोप। कोशी प्रदेश नामकरण विरुद्ध को आंदोलन के क्रम में मृत्यु भएको घटना को छानबीन गर्न समिति गठन, घटनाक्रम प्रति सरकार गंभीर रहेको भनाई। कोशी नामांकन विरुद्ध को आंदोलन आदिवासी राजनीतिक संगठन को समर्थन, कोशी नाम खारेज करी पहचानसंग जोड़ नाम नराखे देशव्यापी आंदोलन चलाने समेत चेतावनी। कम्युनिस्ट दलहरू सहित को समाजवादी धार निर्माण गर्नुपर्ने में बाबुराम भट्टराई को जोड़, सरकार ने पूर्णता पाएपछि एकता को विषय में छलफल शुरू होने अभिव्यक्ति। संविधान को पालना र संरक्षण गर्न आफ्नो प्रमुख दायित्व र कर्तव्य भएको राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भनाई, संविधान ने दिएको काम कर्तव्य र अधिकार प्रति आफू सचेत रहेको भनाई। व्यवस्था फेरिए पनि राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व में पुरानी प्रवृत्ति हावी भएको गण्डकी प्रदेश का प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ को भनाई, संघीयतालाई संस्थागत गर्न प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने धारणा। वायु सेवा निगम सुधारने विशेष महत्व दिने पर्यटन मंत्री सुदन किराँती को प्रतिबद्धता, निकै कमजोर अवस्था में रहकर निगम को हाल को अवस्थालाई सुधारेर गौरव गर्न लायक प्रयत्न भइरहेको भनाई। तरुण दललाई पहिलो नंबर को संगठन बनाउन आरजू राणा को निर्देशन, अहिले राजनीतिक परिस्थिति फरक भएका कारण गठबंधन गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने भनाई। चालू आठ महीना में 1,38,00,000,000 रुपया वैदेशिक सहायता को प्रतिबद्धता, 24,56,10,00,000 बराबर अनुदान र 1,14,00,000,000 बराबर वैदेशिक ऋण को प्रतिबद्धता। काठमाडौँ महानगरले 6 वर्ष में जरिवानाबाटै असली 6,22,00,000 रुपया मापदंड विपरीत का 9,000 बोर्ड हटाइयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाको आयोजनामा यही चैत्र 15 र 16 गते हुन लागेको न्यायिक समिति राष्ट्रीय सम्मेलनमा मुख्य गरी 4 कार्यपत्र प्रस्तुत हुने, कामबा सहित 753 वटा स्थानीय तहबाट सम्मेलनमा सहभागिता रहने। मेलम्चीको पानी सूर्यविनायक नगरपालिकामा वितरण गर्न 9 बुदे सम्झौता, सूर्यविनायक नगरपालिका क्षेत्रमा खाने पानीको चरम अभावलाई कम गर्ने उद्देश्यले सम्झौता गरिएको उल्लेख। मोर्खु नाकाबाट 3 पिप्ले हुँदै ओखरपोवा चल्ने फोहोर बोक्ने गाडीलाई टाइम कार्ड लागू, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य र जोखिम हुने गरी तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने गर्दा असुरक्षित महसुस भएको गुनासो आएकोले टाइम कार्ड लागू गरिएको उल्लेख। नेवार सांस्कृतिक अध्ययनका लागि प्रतिष्ठान बनाउने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रतिबद्धता, नेपाल सम्बन्धलाई राष्ट्रिय सम्बन्धको मान्यता दिलाउने काम पनि आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको स्मरण। आगामी सेप्टेम्बर में होने तय 1 दिवसीय एशिया कप अंतर्गत भारत बाहेक टीम को मात्र खेल पाकिस्तान में होने, क्रिक इन्फो का अनुसार भारत र पाकिस्तान एकअर्का विरुद्ध पाकिस्तान बाहर खेल सहमत। जर्मन बुंडेसलिगा का क्लब बायर्न म्युनिख का मुख्य प्रशिक्षक युलियन नागेल्समन बर्खास्ती में, युलियन को बर्खास्ती पछि बायर्न में अब थोमस टुचेल ने प्रशिक्षण को जिम्मेवारी पाने संभावना। करीब 1 दशक पछि क्रिकेट को ठूलो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजना का लागि क्यानले आफ्नो तयारीलाई तीव्रता दिदै एशिया को 10 टीम को सहभागिता में 5 वैशाखदेखि एसीसी प्रीमियर कप सुरु हुँदै, सीमाना जोडिएको क्यानाडाबाट पनि अमेरिका में शरणार्थीहरुको ओइरो लाग्दै अवैध शरणार्थीलाई रोक्न अमेरिकाले क्यानाडासँग सम्झौता, सीमानामा रहेका अनौपचारिक ओहोरदोहोर बिन्दु बन्द गर्ने निर्णय। र चीनद्वारा आर्थिक संकटमा परेको पाकिस्तानलाई 2 अर्ब डलर सहयोग, चीनको सहयोगले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा।